हेलो, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम मेरा आप सभी को, और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के न्यू व्लॉग पे। तो यार आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है वही घर से, क्योंकि कर्फ्यू लगा पड़ा है, स्कूल हम जाने लगते हैं, और क्या ही करूँ यार, घर ही पे हूँ तो क्या ही होते हैं, इसलिए अभी जाना हुआ है छुपकर। पेपर आने वाले, थोड़ा अकाउंट्स की प्रैक्टिस वैक्टिस करते हैं और थोड़ा करते हैं यार, क्योंकि घर पे हैं अब दिन भर। भी ब्लॉग में तो उतना नहीं कर पाऊँगा जैसे और टाइम पे, तो कभी दादी के घर चले गए कभी, तो मैं तो जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जगह जगह पर पुलिस वाले खड़े हैं। अभी दिखाता हूँ भाई एक सीन कर्फ्यू वाला, लेकिन मुझे लगता नहीं है भाई ऐसा कर्फ्यू हो रहा है, क्योंकि भैया जैसे कर्फ्यू का मतलब होता है सबको घर के अंदर रहने का, तो यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, सब लोग अपने अपने घरों से बाहर हैं। दिखाता हूँ उनको, देखो अब रोदे कम हो गए भैया, देखो लोग पैदल पैदल जा रहे हैं घूमने, गाड़ियाँ चल रही हैं, सब काम हो रहा है। लग तो नहीं रहा भैया मुझे कहीं से भी कि कर्फ्यू लगा हुआ है, ये पता नहीं ये क्यों होता क्या। ऑन टॉप अभी देखते हैं यार, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं अकाउंट्स की, पेपर है 20 तारीख से, और थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, वो छत में भी जाना था, छत में जाके आते हैं। छत पे आ गया भाई, टैंकी में पानी फुल है, वही देखने आया था मैं अभी। यहाँ से देखो, देखो भैया ऐसे लोग अपने छत में खेल सकते हैं, जैसे बच्चा खेल रहा है वैसे लोगों के छत में खेल सकते हैं, ऐसे ऐसे तुम भी खेल सकते हो, लेकिन हम तो खेल नहीं सकते क्योंकि हमारी छत में आ रहे टैंकियाँ हैं, सब टैंकी बैंकों से अपनी पूरी छत भर चुकी है, तो इसलिए हम खेल नहीं सकते हैं। हाँ मगर एक टाइम था जब हम भी खेलते थे ऐसे अपनी छत पे, वो भी ये वाले एरिया पे खेलते थे, दिखाता हूँ इतने से एरिया पे खेलते थे मैं और भाई, मतलब यहाँ से बॉलिंग करते थे, उधर से बैटिंग करते थे, और इधर तक गई तो बॉल सीधा आउट वाला सीन, और अभी उसको देखो खड़ने का स्टाइल है भाई, नहीं है ये जिसको भी खड़ाने से खड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही है भाई ऐसी ही सीन है। हलवा नहीं दिखता, मतलब पूरा नहीं थोड़ा बहुत दिखता है, फिर यह चलने आ रहा कौन सी प्रैक्टिस करता है, बहुत हो गया। अभी आया हुआ था नीचे, मम्मी ने बनाया खाना, खाने में देखो मधुवे की रोटी, और वो बात अलग है एक ही खाता हूँ, नहीं दो हैं यार, और दो मधुवे की रोटी हैं, दो गेहूं की रोटी है मेरे लिए, ये आलू की सब्जी हो गई, ये पनीर हो गया, ये आप बनाया था मम्मी ने खाने में, और पापा कर रहे थे पूजा मंदिर पे, तभी खाना खाते हैं फिर जाते हैं। वो तो बोला जा रहा है कि कर्फ्यू लगा है पूरे शहर पे, लेकिन ऐसों को देख के लगता नहीं रहा भैया मुझे कि कर्फ्यू है, हर कोई बाइक स्कूटी लेके निकल जा रहा है, वरना ऐसे करके कोई भी पैदल चल ही रहा है। कोई वो नहीं है, देखो भैया ये पैदल जा रहे हैं, लगता नहीं रहा भैया मुझे कि कर्फ्यू है, सब यहाँ इधर उधर सब लोग चल रहे हैं। तो यार अभी मैं आया हुआ हूँ दुकान पे, मतलब दुकान पे क्या हूँ, दुकान के पीछे वाले गेट पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे पापा लोग तो भी कहीं चले गए, पापा लोग यहाँ लगता नहीं रहा भैया मुझे कुछ हो रहा है, कर्फ्यू लगा ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा, पापा लोग निकल जा रहे हैं, हम लोग घर पे, मैं और मेरा भाई, बाकी पापा लोग चले ही जा रहे हैं, पापा लोगों को कोई मतलब नहीं, कर्फ्यू गली गली निकल ही जा रहे हैं वो लोग तो, पर हमको घर में अकेला छोड़ दिया, कहीं आशा खाना भी खुद बनाना ना पड़ जाए ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी यहाँ पे पापा ने बोला था अभी कोई आने वाला है, सामान देना है उसे, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ पीछे, वरना मैं अभी कमरे में सोया होता, और तो क्या ही करते सोया होता, तभी कहीं रुका हुआ रुक ही सकता, रुकते हैं यार सामान देते हैं फिर जाते हैं कमरे में। यार अभी फाइनली पापा लोगों ने कहा था दुकान खोलने को, तो आधा शटर खोल दिया और एक केक पेस्ट्री लगाते हैं हम काउंटर पे। यार अभी अभी दुकान खोलने के बाद मैं जा रहा हूँ फटाफट ऊपर, क्योंकि मम्मी भग गई पहले ऊपर, ये देखो अम्मी ना मोदी 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 है मोदी हाथ मोदी मुँह पर चुनम चबा रहा हूँ, और अभी अभी आया हुआ कमरे पे, अभी चल रहे अंदर, देखो अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ, सर पिज्जा इस्तेमाल थी मेरे, ये देखो थाश मोटे हेलो कर मोटा। तो यार अभी मम्मी ने बनाया था खाना,
लेकिन पता नहीं क्या बना रखा है ये पता नहीं क्या पालक का बना दे जो कि पसंद ही नहीं है। ये भात तो चलो सही है, रूखा भात भी खा लूँगा, लेकिन पालक का काफा बहुत गंदा है और अपना खा रही है। इससे पहले दाली बना रही थी, कोई मतलब नहीं है। देखो भाई ये कौन है, ये कौन है? नमन। तो यार बस अभी खाना खाया था, खाना खाने के बाद थोड़ी नौतंगी कर रहा था जो कि दफा पहले भी खाती है, नौतंगी कर रहा था। अभी ट्यूशन के लिए बैठे हुए कंफर्म करते ट्यूशन जाना है या नहीं जाना है, देखते हैं। नमन निकल चुके ट्यूशन के लिए, नमन है पीछे, मैं आगे हूँ। ट्यूशन पढ़ेगा आते हैं अब इन लोग को कर्फ्यू है, फिर भी ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। ट्यूशन तो है ही यार, ट्यूशन तो जाएंगे यार, ट्यूशन जाते हैं पढ़ के आते हैं। अभी अभी फाइनली मतलब मैं घर आ चुका था, घर से आया हूँ, मतलब ट्यूशन से आए हुए मुझे टाइम हो गया था। और ट्यूशन से आने के बाद मैं यहाँ किचन पूजा वूजा भी कर दी, अभी अभी किचन में आया था, मुझे मिलने बनाया था अदरक का पानी, ये अदरक का पानी से बन रहा है। इस साइड पे है पनीर और यहाँ मम्मी बना रही पनीर की तैयारी कर रही है। पनीर अभी पनीर हमने भी सीखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीख लेंगे। अदरक का पानी पियो भैया, सेहतमंद रहेगी, सारी सेहत अच्छी रहेगी, उसकी तरह मत रहना। पहले भी बजे में रात के 9 और मैं और मम्मी का दुकान पर आने हैं। देखो ये हैंडल मेरे को लगानी है, मम्मी हैंडल लेके खड़ी है, ताला लगाते हैं, चल रहे हैं बढ़ाना है। वैसे मैं और मम्मी ताला लगा के जा रही है, कौन थे भैया जैसे देख रहे थे हमको। फाइनली मैं आया था कमरे पे, दुकान बढ़ा दी थी। दुकान बढ़ने के बाद अभी थोड़ा टाइम हो गया था, मम्मी ने बना दिया खाना। अभी देखो खाने में ये है, 2 रोटी, थोड़ा सा भात है जो मम्मी ने बनाया हुआ था, अभी हरी सब्जी, पनीर और बैंगन की सब्जी, ये सब मैं खाने वाला हूँ। सामने देखने वाला यार थोड़ा सिंचन, बहुत टाइम बाद। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था सिंचन, पहले मैं छोड़ता नहीं था एक भी सीरियल्स का, लेकिन जैसे बड़े बड़ा होता है कि इसमें मंदिर रहते हैं। तो अभी भैया इसने तो खा लिया है, अब बारी मेरी है तो मैं खा रहा हूँ, तो अभी खाते हैं खाना फटाफट। यार अभी रात के बज चुके हैं 10, पापा लोग तो अपना बातें करते रहेंगे, आगे आवाज़ आ रही तो मेरी फॉल तो नहीं आ रही, पापा बोली इतनी जोर से रहे, तो अभी यार लग रही गंदी वाली नींद, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। अब मिलते हैं न्यू व्लॉग पे, और डू नॉट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब, और जब तक रख लो, बाय बाय, जय श्री राम।